हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे, आज का जो सेशन हम रखेंगे कि स्टेनो में क्या है, अशुद्धियां कैसे कम करें। मतलब क्या है कि अब बहुत सारे बच्चों ने स्टेनो सीख लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हम आराम से 80-85 पे लिख रहे हैं, परंतु हम स्टेनो तो लिख लेते हैं पर जब उसको जिस डिक्टेशन को हम डिक्टेट करते हैं, हिंदी बनाते हैं, तो हमसे हिंदी में गलतियां बहुत हो रही हैं, क्या किया जाए। तो उसी, ये आपके नहीं, एक या दो बच्चे की दिक्कत नहीं, ये सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सभी के साथ हो रही है। जो 100 पे लिख रहे हैं उनके साथ भी यही है, 70 पे लिख रहे हैं उनके साथ भी यही है, और 150 की स्पीड पे लिख रहे हैं जो फर्स्ट लेवल का पेपर दे रहे हैं पार्लियामेंट वगैरह में, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो क्या करें, सभी के लिए है ये, ठीक है। तो घबराएं नहीं भी, हमसे जो है अशुद्धियां बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अरे हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा, ऐसी टेंशन मत लो, है इलाज सभी चीजों का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आज का जो सेशन है अपना वो इसी बात पे रहेगा, ठीक है, कि अशुद्धियां कैसे कम करें। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे बेचारे स्टेनो सीख रहे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। जो देख रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, जो नहीं देख रहे हैं तो उन तक भी पहुंचा दो कि भाई तुम लोग भी ऐसे वाले स्ट्रेटजी अपना लो, उसके साथ क्या होगा, अपना जो है स्टेनो को अपन भी क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। हाँ जी, तो सेशन में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनको दिल से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। हाँ जी, तो सेशन शुरू करें। अपना पहला ही टॉपिक है कि एक ही डिक्टेशन को आप क्या करो, बार बार लिखो, ठीक है। हम रोज अपने चैनल पे डिक्टेशन को जो है अपलोड करते हैं, ठीक है, एक भी करते हैं, दो भी करते हैं, बहुत सारी ऑलरेडी की भी हुई है। और तो मैं यही कहूंगी उन बच्चों से कि बच्चों देखिए, स्पीड आपकी जितनी मर्जी है, आप 70 पे लिख रहे हो, आप 80 पे लिख रहे हो, आप 100 पे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, परंतु आप एक डिक्टेशन को, है ना, जितने आपने लिख लिया, एक डिक्टेशन लिख ली, अब उसकी ना आप हिंदी कीजिए। मैं वैसे तो ये चीजें हर रोज अपना सेशन लेती हूँ उसके अंदर भी, और डिक्टेशन भी अपलोड करते हैं उसके अंदर, ये बेसिक जानकारियां हैं वो देते ही रहते हैं, परंतु आज मुझे जरूरत महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि अशुद्धियां कम नहीं हो रही, हिंदी सही से नहीं बन रही, स्टेनो में शब्द छूट जाते हैं, तो एक अलग से सेशन करने की जरूरत महसूस हुई। तो अब आप इस चीज को इग्नोर ना करें, इस चीज को अपनाएं कि आपने एक बार डिक्टेशन लिख ली, ठीक है, अब इस डिक्टेशन की आप हिंदी कीजिए, ठीक है। आप जब इसको इस आउटलाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे से क्या हो रहा है, डिक्टेशन तो मैंने पूरी लिख ली, ठीक है। यही होता है फाइनल एग्जाम के अंदर भी बच्चों के साथ, डिक्टेशन सभी बच्चों से लिखी जा रही है, चाहे वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एग्जाम देने जाए, चाहे वो 90 वाले के लिए देने जाए, चाहे वो 70 वाले के लिए देने जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 100 वाले के लिए, स्टेनो तो सारे लिख लेंगे, सबसे आउटलाइन बन जाएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, उन्होंने लिख क्या दिया यही नहीं पता चलेगा बच्चे को कि भाई मैंने लिख क्या दिया, अब वो आउटलाइन कैसे पढ़े, ठीक है, आउटलाइन कैसे पढ़े, वो पढ़ने में नहीं आती। तो अपन भी ये गलतियां, अगर एग्जाम जब आ जाते हैं ना पास में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पे आके, हाँ जी स्टेनो तो हमसे अच्छे से लिखी गई, अब इसकी हिंदी नहीं बन रही, क्या करें। तो उस चीज को आज से ही अपन कवर करना शुरू कर दे कि डिक्टेशन लिख ली, अब इसकी हिंदी करें, पढ़ें इसको, ठीक है जी, नहीं पढ़ने में आ रहा, 50% पढ़ने में आ रहा, 50 नहीं आ रहा, छोड़ दो, उसी डिक्टेशन को लिखो, ना कोई दूसरी डिक्टेशन, चाहे हमने की, चाहे कहीं किसी ने भी की, दूसरे किसी भी एक बार आप डिक्टेशन मत लिखो, उसी को दोबारा लिखो। पहले आपको 50% पढ़ने में आया, अब आपको 70% पढ़ने में आएगा, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपना, है ना। तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा लिखिए, ठीक है, दोबारा लिखिए, फिर 70% पढ़ोगे, फिर तीसरी बार फिर उसी डिक्टेशन को लिखो, ना कि कोई दूसरी डिक्टेशन को, उसी को ही लिखो, अब आपका क्या होगा, 80% आप कवर कर लोगे यहां से। इससे क्या होगा बच्चा, इस बात का मतलब समरी सार यही निकल के आता है, सुना है ना कि 100 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को 100 बार पढ़ ले, वही बात इधर है, 100 डिक्टेशन
सो नहीं, 10 डिक्टेशन लिखने से अच्छा एक डिक्टेशन को 10 बार लिख ले। सही है, ये बात यही आप, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हर जगह ही अप्लाई होती है, जहां मर्जी आप करके देख लेना, ठीक है। तो इस डिक्टेशन को आप बार बार लिखिए, उसको पढ़िए, और उसके जो मुश्किल वर्ड हैं जो है उसको अलग से निकाल के उसके आप आउटलाइन बनाए अपने शब्दों में, ना कि मेरे द्वारा रटाए हुए, ठीक है। मैंने कोई कोड बना के दे दिया, आप उसी को रट रहे हो, है ना, वो बात नहीं है। वो मेरा कोड बताने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि हाँ जी इस तरह से आउटलाइन बनती है, ठीक है, वो आप अपने तरफ से भी बना सकते हो, ठीक है। अगला अपना है कि संपादकीय न्यूज़पेपर पढ़े। हाँ बस, संपादकीय न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़े, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर 6 नंबर या 7 नंबर पेज होता है जो संपादकीय मैटर होता है, ठीक है, उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने से क्या होगा, वहां पर अपने को मुश्किल शब्द, बड़े शब्द, नए नए शब्द, ठीक है, वो मिलेंगे वहां से, और उनको आप हिंदी में भी पढ़िए और हिंदी में लिखिए, उसको राइट कीजिए। अपनी डायरी है, आप सबके पास है अपनी पर्सनल, वो डायरी होती है जो अपने स्टेनो की डायरी है, शॉर्ट हैंड डायरी, उसके अंदर हिंदी वाले शब्दों भी लिखिए, पहले हिंदी के शब्द लिखिए, ठीक है। अब उसको मैच कीजिए न्यूज़पेपर के साथ कि जो मैंने लिखी उसकी मात्राएं वगैरह मैंने सही लगाई है नहीं। अब उसके आप क्या कीजिए, स्टेनो के अंदर उसकी आउटलाइन भी बनाइए, 2-3 बार हिंदी में लिखो, 2-3 बार उसको स्टेनो में लिखो, ये करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैडम ये तो हम भी जानते हैं, कोई और तरीका बताओ, तो बच्चों स्टेनो के अंदर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि बिना पेंसिल चलाए, बिना हाथ चलाए आप कुछ भी लिख लोगे, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्यादा सर्च करने से क्या होगा, अभी आप सर्च कर लो, मैंने बना दी अशुद्धियां कैसे कम करें, किसी और चैनल वालों ने डाल दी कि अशुद्धियां कैसे कम करें, हाँ जी ऐसे कर लो, वो यही कहेंगे कि पेंसिल चलाए बगैर कुछ नहीं होता। जो बच्चे स्टेनो सीख रहे हैं या जब सीखे हुए हैं उनको पता है, या ऑलरेडी जो कर भी रहे उनको भी पता है कि भाई उनसे भी बर्बली भी पूछ लेना, पर्सनली कोई आपका नोन है उससे पूछ लेना कि भाई बिना पेंसिल चलाए स्टेनो के अंदर कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। स्टेनो के अंदर आपको पेंसिल चलानी ही पड़ेगी, और ये एफर्ट्स है ना, ये आपको लगाने ही पड़ेंगे, ये अप्लाई करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो संपादकीय न्यूज़पेपर पढ़ो भी और उसको लिखो भी। मैं ये नहीं कहती कि न्यूज़पेपर सारा लिखो, नहीं, मैंने कहा मुश्किल वर्ड, बड़े वर्ड, नए नए शब्द, ठीक है, उनको बनाओ, हिंदी में बनाओ और स्टेनो में भी बनाओ, दोनों तरीके से बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि न्यूज़पेपर हिंदी में भी लिखें और स्टेनो में भी लिखें। पूरा न्यूज़पेपर नहीं कहा, बात तो वही ऊपर बता दिया, पूरा न्यूज़पेपर नहीं कहा मैंने, मुश्किल शब्द, बड़े शब्द, नए शब्द, उनको लिखिए और उसको स्टेनो में भी लिखिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको थोड़ा साइकोलॉजी का नॉलेज है तो इसमें क्या होता है कि स्टेनोग्राफर का माइंड है ना, ठीक है, स्टेनोग्राफर का दिमाग इस तरह का होना चाहिए कि साथ के साथ जब आप डिक्टेशन को लिख रहे हो तो स्टोरी में क्रिएट करें, ठीक है, उस डिक्टेशन को क्या करें, स्टोरी के अंदर क्रिएट करें। आप देखिए, अब हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अब 3 घंटे की मूवी होती है, 2.5-3 घंटे की जितनी भी होती है मूवी, तो देखने जाते हैं, पूरा बता देंगे कि हाँ जी यहाँ ये उसके बाप का नाम था, ये हीरोइन थी, ये हीरोइन के बाप का नाम था, हीरोइन जो हीरो था उसके इतना परिवार था, वो गुंडा था, वो ये था, सारी चीजें था। क्यों? क्योंकि अपना माइंड है जो पूरा का पूरा उस पिक्चर के अंदर, उस मूवी के अंदर बस सिर्फ और सिर्फ उसी में फोकस करता है, इधर उधर क्या कुछ नहीं दिखता आपने को कि अगर इस थिएटर के बाहर भी है, इस रूम के बाहर या इस मोबाइल में देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, तो इससे बाहर की दुनिया भी है, कहीं नहीं जाता, दिमाग सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित वहीं पे होता है। ऐसा ही स्टेनोग्राफर के पास भी अपना दिमाग होना चाहिए, और उसके पास ये जो है पावर होनी चाहिए कि भाई मैं है जो भटकने वाला नहीं हूं, अब मैं जो डिक्टेशन मेरे को लिखा रहे हैं ना, मैं सिर्फ उसी के अंदर ही उसी को ही सुनूंगा और वो ही मेरे चारों इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है, डिक्टेशन ही, डिक्टेशन को ही अपने साथ के साथ लिखो उसको, और साथ के साथ ही आप उसकी स्टोरी भी क्रिएट करते जाए, ठीक है, छोटी मोटी कोई भी स्टोरी साथ रिलेट कर ले उसको, ठीक है, ये भी होता है, ठीक, ये भी आप अपना सकते हो, कर सकते हो आप। ऐसे करके आप अपने स्टेनो में अशुद्धियों को दूर कर सकते हो, जो गलतियां आ रही है उनको आप कम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगली बात एक और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप क्या करें स्टेनो के अंदर, ठीक है, न्यूज सुने भी, ठीक है, जैसे न्यूज चल रही है टीवी के अंदर, आप टीवी को
देखे नहीं, पेट करके बैठ जाए टीवी की तरफ, ठीक है, और उसको सुनना है कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये जो अपनी गंदी आदत अपने को जो पड़ी हुई है ना कि मोबाइल के अंदर ऐसे शॉर्ट वीडियो सारे देखते रहते हैं, जो भी होता है जिनका भी होता है डाल देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके डिक्टेशन के अंदर नाम आ गया अग्निकांड, ठीक है, अग्निकांड आ गया, लड़ाई झगड़े आ गया, और आत्महत्या आ गई, ऐसे कुछ शब्द आ गई है ना। अग्निकांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अग्निकांड शब्द आ गया तो क्या हुआ, सपोज आपने मोबाइल में कहीं अग्निकांड देखा है, ठीक है, बहुत सारी भयंकर आग लगी हुई है, चाहे जंगल में लगी है, चाहे कहीं ट्रक में लगी है, चाहे कोई बस पे लगी है, रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसका दृश्य है ना जो आपके माइंड में घूमता रहेगा, और उससे क्या होगा, आप डिक्टेशन से बाहर चले जाओगे। फटाक से अग्निकांड आते ही आपको जो उसके से रिलेटेड आपने कभी कोई स्टोरी देखी है, या आपने कोई फिल्म देखी है, या आपने कोई दुर्घटना देखी है ना, या आपने फोन में कहीं देखी है, तो आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, उसी टाइम वहीं चला जाएगा, और इसी चक्कर में डिक्टेशन से आप बाहर आ जाओगे, और आपके 5-7 शब्द है जो ऐसे ही छूट जाएंगे जब तक आप दोबारा उसके अंदर घुसोगे, है ना। तो ये चीजें भी कम कीजिए, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, ऐसे नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बना के दिए, ये कुछ मेरी तरफ से नहीं है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, इन चीजों को भी आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टेनो लिखनी चाहिए, बस ले दे के बाद यही बनती है, हो गया। कि न्यूज़पेपर सुनो, मुश्किल वर्ड उनसे निकालो, ठीक है, न्यूज सुनो, टीवी पे जो न्यूज चल रही है उसको सुनो और उसको लिखो, ठीक है, सुनने के लिए जरूरी सामने देखना, बस पेंसिल चलती रही, आई बात समझ में। अब क्या हो, ये तो होगी बात कि आपने स्टेनो लिख ली, उसको जब हिंदी करते हो तब आपकी गलतियां आई। दूसरी बात ये भी है, जब स्टेनो लिख ली, अब आप उसको, चलो मैं इस टॉपिक को कवर करते हैं, इस लाइन को, कि टाइपिंग में भी गलतियां आती है, अब ये भी गलतियां हैं बच्चों में, है ना, ये भी प्रॉब्लम है एक बच्चों की कि भाई टाइपिंग में भी गलतियां होती है, तो जिन बच्चों में टाइपिंग की गलती होती है, अब क्या होता है कि स्टेनो सभी बच्चों ने लिख ली, ठीक है, 70 वर्ड, 80 वर्ड, 90 वर्ड, 100 वर्ड सबने लिख ली। अब जब वो टाइप करने लगेंगे, सभी बच्चों की टाइपिंग है ना बहुत वीक होती है, ठीक है, सभी की वीक होती है, और कुछ बच्चों की टाइपिंग होती है जो आराम से 60, 65, 70 की स्पीड पे होती है, फिर भी गलतियां कहाँ थी। जो बच्चे अभी क्या कर, जिनकी स्पीड आराम से है 25-50 के बीच में, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ स्पेशली, क्या होता है कि टाइपिंग में अगर आपसे कोई गलतियां हो रही हैं, तो बच्चों आप जो गलती हुई, ठीक है, उसको क्या करो, बार बार लिखिए, ठीक है, बार बार लिखिए, बट ध्यान रखना है कीबोर्ड की तरफ देखकर नहीं। अब जब उंगलियां चलाते हैं अपन टाइपिंग करते वक्त, उंगलियां चलाते हैं तो कीबोर्ड की तरफ मत देखो, डेस्कटॉप की तरफ देखो कि आप जो शब्द लिख रहे हो वो सही से लिखा गया या नहीं। फिर अपन क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, ठीक है, उसको डिलीट करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, उसको हटाते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि सभी एग्जाम के अंदर क्या है, बैक स्पेस बंद होता है कि बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो बैक स्पेस वाला तो आप झंझट ही खत्म कर दो कि आपने बैक स्पेस दबाना ही नहीं है। गलती से कोई शब्द गलत लिखा गया तो उसको दोबारा लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, बार बार लिखिए, उस उंगली को बता दीजिए कि हाँ जी तूने इसके बाद ये वाला बटन दबाना है, तब ये शब्द सही लिखा जाएगा। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि गलतियां कैसे कम की जाए। दूसरी बात एक ये भी है कि जब आप स्टेनो को डिक्टेट कर रहे हो तो ऐसे नहीं एक शब्द डिक्टेशन, एक शब्द की हिंदी बना ली उसी को टाइप कर दिया, एक शब्द की हिंदी बना ली उसी को टाइप कर, नहीं, विराम, जहां विराम बोले जाए, इस विराम से लेके इस विराम तक पूरे सेंटेंस को आप पूरा पढ़ें, उसको जोड़ें, फिर उसकी आप डिक्टेशन को जो है इसके अंदर टाइप करें, ठीक है, फिर टाइप करें। इससे क्या होगा, आपके जैसे लिंग से संबंधित जो गलतियां होगी वो भी कवर हो जाएंगी, ठीक है, सर्वनाम से संबंधी होगी वो भी हो जाएगी, वचन से संबंधी होगी वो भी हो जाएंगी, जैसे का के की उनका उसके उसमें, है ना, ज्यादा थोड़ा बहुत, ऐसे जो भी होते हैं बहुवचन से संबंधित, ये गलतियां यही अपने क्या हो जाएगी, चाहे स्टेनो में आपने वो ना लिखे हो, शब्द छूट गए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो पता है सभी बच्चे ग्रेजुएशन वाले सभी एग्जाम के अंदर बैठते हैं, उनको ये तो पता है कि यहाँ पे से, मे, के, का, की, के, उसका, उसकी क्या लगना था, जेंडर क्या है, उसके हिसाब से सर्वनाम लगेंगे, है ना, और जैसे सर्वनाम है वैसे वचन लगेंगे। तो ये चीजें आप वहां क्रिएट है जो कर सकते हो, ऐसी गलतियां आप दूर भी कर सकते हो। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल हुई वो मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये थी
कुछ बेसिक जानकारियां जो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि स्टेनो के अंदर अप्लाई करके अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको कितनी हेल्पफुल हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।